नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आज मैं स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं, जो पिछले डिफरेंट टाइप के जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको एक आइडिया लग सके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बार बार डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेन को किस किस तरह से डिफाइंड किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे हम जानते हैं, किसी भी बॉडी में जो परिवर्तन होता है अपॉन जो ओरिजिनल बॉडी की डायमेंशन होती है, वही क्या होता है, स्ट्रेन। तो यहाँ पर लिखा है चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इसमें किसमें वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है और ओरिजिनल वॉल्यूम बटे, मतलब स्ट्रेन को डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट में लिखा है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये तो नॉर्मली आपने बुक में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, तो ये तो डेफिनेशन ही होती है स्ट्रेन की। इस तरह चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, लेटरल मतलब डायमीटर परिवर्तन या थिकनेस में परिवर्तन, बटे डायमीटर या फिर थिकनेस। तो तीनों एबीसी हमारी किसको, स्ट्रेन को डिफाइन करती हैं। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में लिखा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऊपर के तीनों ही आंसर हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा नेकिंग फेनोमेना इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, उसमें नेकिंग फेनोमेना क्या, नेकिंग फेनोमेना क्या होता है, जो भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है, उसके परसेंटेज को शो कराता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटल मटेरियल के अंदर इलास्टिक की प्रॉपर्टी कम होती है, क्योंकि वह जल्दी टूट जाता है, जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वह इसमें उसमें जो ब्रिटल मटेरियल की तुलना में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारा जो नेकिंग फेनोमेना अगर ब्रिटल और डक्टाइल की तुलना देखें तो ब्रिटल मटेरियल में ज्यादा होता है। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं जो जेई के सिलेबस में आते हैं, मैकेनिकल के या फिर सिविल के, या सिस्टम ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, इस तरह के जो सब्जेक्टों की मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उनके लिए जेई की जो तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंटों के लिए हमने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक ऑल टाइप जेई एग्जाम के नाम से, एक व्यापम के नाम से। तो उनमें जाके आप एक साथ सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। इन चारों मटेरियल में हम बताना है कि मोर इलास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो वाई मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वह होती है स्टील में, किसमें, स्टील में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह लिखा है व्हाट स्ट्रेंथ इज टू बी कंसिडर फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग के दौरान जो रहता है, जो डक्टाइल मटेरियल है, उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वह किससे मतलब चेक की जाती है, फिर किस पे विचार किया जाता है, कौन सी स्ट्रेंथ पे, वह होती है इंड्यूरेंस लिमिट। कौन सी होती है, इंड्यूरेंस लिमिट पे विचार किया जाता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर एनी मटेरियल नॉट कैन नॉट बी एक्सीड, मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछा किसी भी मटेरियल के लिए, यहाँ चार वैल्यू दिए, उनमें से बताना है कौन सी वैल्यू है ऐसी जिससे ज्यादा हो ही नहीं सकती किसी भी मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की, जो भी हमारा रेशियो होता हो। तो यहाँ पर 0.5 है राइट आंसर, इससे ज्यादा किसी भी मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो नहीं होता है। अब चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर अंडर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब जो भी हमारे बार बार क्या होती है साइक्लिक लोडिंग होती है, उसमें जो नंबर ऑफ जो भी हमारे क्या फ्रैक्चर बढ़ने के चांस होते हैं किसी मटेरियल में, ऐसी कौन सी लिमिट होती है जहां पर हमारे मटेरियल के जो फ्रैक्चर होता है, जो फेल होता है, कि वहां से फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, वह होती है इंड्यूरेंस लिमिट। कौन सी होती है, इंड्यूरेंस लिमिट, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण जो हमारा मटेरियल फेल होने लगता है, तो वहां पर जो मटेरियल के अंदर जो क्या होती है एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की, जिससे वो फेल ना हो, जो अंदरूनी क्षमता होती है उसकी रेजिस्टेंस पावर, वह किस प्रॉपर्टीज के कारण होती है, वह होती है स्टिफनेस। कौन सी होती है, स्टिफनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट कंसिडरेबल इलास्टिक रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ लोड इज नॉन। उसने पूछ रहा है जब भी हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं और फिर से लोड जब छोड़ देते हैं तो उसकी जो रिकवरी होती है ओरिजिनल अवस्था में पहुंचने की, तो वह किस प्रॉपर्टीज के कारण होती है मटेरियल के अंदर, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसके अंदर वह जल्दी रिकवर करता है, वह होती है हमारी रेजिलियंस। कौन सी होती है? रेजिलियंस। इसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चन थे, मैंने बताने की कोशिश की। अब चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज इम्पोर्टेंट। थर्मल एक्सपेंशन किसी सॉलिड में होता है वह किस कारण से होता है? वह होता है बाय मेटल एलिमेंट में। इसमें होता है बाय मेटल में दो मेटल की होता है, बाय मेटल का मतलब होता है दो मेटल, ठीक है। तो ये होता है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा था। इसका आंसर क्या है? बाय मेटल। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वह कौन सा स्ट्रेन कहलाता है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो जिस डायरेक्शन में होता है वह लीनियर डायरेक्शन बोलते हैं उसको। तो वह उस डायरेक्शन में जो परिवर्तन होगा तो उस डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है लीनियर डायरेक्शन, मान लो परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन सियर एज कंपेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंसर। पूछ रहा है सियर के अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और कंपेयर किया जाए हमारा टेंशन के अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसमें क्या रेशो रहता है? तो उसका रहता है 2/3 का रेशो। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन की मैंने बता रहा हूँ, जैसा स्टार्टिंग बताया था, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे आ चुके और हमेशा देखा होगा आपने। सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चन भी उसी टाइप के रहते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर करके पूछा जाता है। तो याद रखें इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वो अगर आपको याद होंगे तो आप जल्दी से जो भी क्वेश्चन अगर उनको मॉडिफाई करके पूछा जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसको टाइम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन। मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस किसका फंक्शन? यहाँ पर पहले तीन ऑप्शन दिए, इनको पहचानना फिर उनको एबीसीडी के रूप में आंसर दे। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक थर्मल एक्सपेंशन का ही फंक्शन है। टेम्परेचर राइज और लो होता है किसका? हमारा थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर स्ट्रेस का फंक्शन है, जबकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेम्परेचर स्ट्रेस का फंक्शन है। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो हम यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ए बी सी ओनली। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हेन चेंज इन लेंथ टेक प्लेस द स्ट्रेन रीजन। मतलब लेंथ की डायरेक्शन में अगर लेंथ में परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे? सॉरी स्ट्रेन डेवलप होगी तो क्या बोलेंगे? हम जानते हैं लंबाई में परिवर्तन अपन ओरिजिनल लंबाई क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन। हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका भी मैंने आंसर बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीनों क्वेश्चन भी बहुत अजीब हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किस, मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता है, किस रेशियो को अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं? तो होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की या एफओएस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप इन द वार। उसी भी बार में टेम्परेचर परिवर्तन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वह किस पर डिपेंड रहते हैं? तो वह रहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। किस पर होते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फटीग ऑफ अ कंपोनेंट इज ड्यू टू। फटीग डेवलप होती है किसी कंपोनेंट में किस कारण से होती है? वह होती है साइक्लिक लोडिंग के कारण। साइक्लिक लोड हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइक्लिक लोड आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। इन चारों में से हम बताना है कौन से मटेरियल की जो वैल्यू रहती है हाईएस्ट रहती है पॉइजन रेशियो। मतलब पॉइजन रेशियो किस मटेरियल के लिए हाईएस्ट रहता है? तो जो पॉइजन रेशियो है रबर के लिए हाईएस्ट रहता है। किसके लिए? रबर के लिए। तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इफ द वायर इज हीटेड इट इज डेवलप। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक स्टील बार है, बोल रहा कि दोनों एंड अगर फिक्स कर दिया है और उसको हीटेड कर रहा है, गर्म कर रहा है, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर कोई बार है उसका एक एंड फिक्स कर दो और उसमें टेम्परेचर अपन उसका राइज कर रहा है, उसके अंदर
टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, दोनों एंड फ्री कर दो और फिर उसको उसका टेम्परेचर राइज करो, दोनों एंड फ्री कर दो, टेम्परेचर राइज कर दो, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, दोनों एंड फिक्स है, उसमें टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, हीटेड कर रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, वह कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई करके पूछा गया था, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, मतलब किससे कम रहती है, तो 0.5 से कम रहती है हमेशा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस टाउ, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि क्रॉस सेक्शन मेंबर इज सब्जेक्ट टू, उसका शियर स्ट्रेस क्या टाउ है, तो बोला स्ट्रेस एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी का हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताना कि क्या होता है, तो आपको अगर याद होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, ये होता है टाउ स्क्वायर अपॉन 2g, क्या होता है, टाउ स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये सी वाला ऑप्शन स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जी यहाँ पर क्या मॉडल ऑफ रिजिडिटी है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, ऐसा कौन सा मटेरियल इन चारों में से हमें बताना है कि जो नॉन लीनियर इलास्टिक व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, तो यह होती है हमारी रबर। रबर क्या होती है, नॉन लीनियर इसका व्यवहार होता है, हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब कुछ ही क्वेश्चन हमारे उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो पॉइजन रेशियो, इसी मटेरियल का अगर पॉइजन रेशियो जीरो होता तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर कोई भी मतलब कह सकते कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मतलब मटेरियल का व्यवहार नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं नन ऑफ द एवर, मतलब उसके अंदर पॉइजन रेशियो का होना जरूरी है, तो नन ऑफ द एवर कोई भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा, इन अ कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी, एक कंपोजिट बार है, मतलब कंपोजिट मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वाला मटेरियल में क्या, यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है उसको समझ लें, सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ईच बार, जो भी सभी बार में प्रोड्यूस होगी वही क्या होगी, कंपोजिट मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगी। अब चलते हैं लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द स्पोकन ऑफ द फ्लाई, फ्लाई व्हील की ताने होती है उसमें किस टाइप का स्ट्रेस डेवलप होता है जब वो चलता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता हुआ होता है टेंसाइल स्ट्रेस, कौन सा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि वह बाहर की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हेन माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड इट्स फ्रैक्चर विल बी कन्वर्ट, मतलब एक माइल्ड स्टील है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं आपने देखा होगा, उसमें बोला कि जब टेंसाइल लोड लगा रहा है तो उसका जो कर्व बनेगा, ठीक है, तो जो फ्रैक्चर जहां पर हम दिखाते हैं वो फ्रैक्चर वाला कर्व होता है वो किस टाइप का बनता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा है ना, इस तरह का कुछ कर्व बनता है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा जाते हैं फिर यहाँ से ऐसा आते हैं, ऐसा करके ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर हम फ्रैक्चर का निशान लगाते हैं, ये जो रहता है ए जो शेप है वो किस टाइप का बना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछा है। यह जो वैसे मैं बताऊँ, ये कप एंड कौन से टाइप का बनता है, आपको दिख रहा होगा कप एंड कौन सा, ये दिख रहा है कप एंड कौन से टाइप का बनता है, तो लगभग 25 क्वेश्चन थे हमारे, उम्मीद है प्रैक्टिस के रूप में काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के मॉडिफाई करके बार बार पूछे आते हैं। हमने कहा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन भाइयों ने नहीं किया, जिन दोस्तों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।